वर्ष 2024 में होने वाले देश के आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियों के साथ ही चुनाव आयोग ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पहले स्तर की जांच सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी राघव शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि आम चुनाव को लेकर भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले चरण की जांच सोमवार को हुई है, आने वाले दिनों में आगामी प्रक्रिया को भी अमल में लाया जाएगा। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज जिला ऊना में जो फर्स्ट लेवल चेकिंग या FLC की प्रक्रिया है उसको आरंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे आगामी चुनावों में जो हमारे BU, CU और VVPAT मशीन्स यूज़ होंगी उनको चुनाव में डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी उपस्थिति में जो हमारा EVM VVPAT वेयरहाउस है उसके अंदर की जा रही है। और इसमें जो बेल के इंजीनियर है, भारत इंजीनियर्स लिमिटेड के इंजीनियर्स हैं, वो स्पेसिफिकली भारत निर्वाचन आयोग ने डिप्लॉय किए हैं। इनमें सारी मशीन्स की चेकिंग होगी कि वो वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं है, और उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने उनमें मॉक पोल करा के उनको टेस्ट किया जाएगा कि वो इलेक्शन के लिए रेडी हैं कि नहीं। ये प्रक्रिया जो है आज से आरंभ हुई है और अगले 15 दिन के लिए प्रक्रिया जो है चलेगी। इस प्रक्रिया की पूरी जो CCTV से निगरानी की जा रही है, एक सेक्शन आर्म्ड पुलिस फोर्स का इसके लिए सिक्योरिटी लगाई गई है, और दिन की जो रिपोर्ट है वो भारत निर्वाचन आयोग को इसमें भेजी जाएगी कि प्रतिदिन कितनी मशीनें जो हैं उनकी FLC की गई है। दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।